This is my Murshad Rafiq Ali Baba, and this is Yaman Ali Baba, the youngest Malang at Makanpur. And Huzur, main inse kuch baatein karna cha raha hu. Aur ya to aap hi baatein kar lijiye aur mujhe bataiye. Haan. Aap Malang kyon bane? Haan, ye Malang kyon bana? Dekhiye, silsile Aliya Madariya mein hamesha se chala raha hai ki log yahan duaein karte hain aur दुआ करके अल्लाह अपने हबीब के सदके में मदारे पाक के करम से जो साहिब औलाद होते हैं तो वो लोग एक दिल में मुराद रखते हैं कि मौला अगर हमारी सुनी गोदी को हरी करे तो एक बच्चा हम मदार का मलंग बनाएंगे। तो बस सरकार मदारे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का करम होता है और उनकी सुनी गोदी हरी होती है और अल्लाह उनको नवाजता है जी। तो वो लोग बच्चे पेश करते हैं तो हम लोग बच्चों को लेते हैं, पहले पढ़ाते हैं दीनी और दुनियावी। दीनी तालीम भी होती है, दुनिया की तालीम भी होती है। जब बच्चा इस लायक हो जाता है, अच्छा बुरा समझने के लायक, तो उस बच्चे से पूछा जाता है, बेटा कि अब तुमको क्या करना है, अयालदार बनना है, शादी करना है, दुनिया पालनी है, या आप मुजर्रद रह के और मलंग बनकर सिलसिले की खिदमत करना है, दीन की खिदमत करना है, सुन्नत का काम करना है। तो फिर बच्चा खुद इंतखाब कर लेता है कि मुझे क्या करना है। इसी को लेकर शहर बैतूल, ये बच्चा जो है इनका नाम यमन है और इनके वालिद वालदा भी आए हुए हैं, तो उन्होंने खुशी से इस बच्चे को दिया है जी। जिस तरह से बुजुर्गों ने फरमाया है कि एक घर में हाफिज हो जाता है और अल्लाह ताला के हबीब का फरमान अली है कि उस बच्चे जिस घर में एक बच्चा हाफिज हुआ है तो मैदान महशर के दिन अल्लाह रब्बुल आलमीन भी फरमाते हैं उस बच्चे के माँ बाप को अल्लाह दूरान तरह से समझता है। इसी तरह से एक बच्चा अगर हाफिज कुरान है तो उसकी सात पुश्तें बगैर हिसाब किताब जन्नत में जाती है। तो हमारे बुजुर्गों ने फरमाया कि जिस घर में एक मलंग अल्लाह उसको साबित कदमी रखे पूरी ज़िंदगी, एक मलंग बनता है तो उसकी 21 पुश्तें बगैर हिसाब किताब के जरिए। दूसरी मुराद को लेकर इनके माँ बाप ने भी बच्चा दिया है और ये बच्चे एक नहीं है, कई बच्चे हैं आए हुए हैं, अभी मदरसे में पढ़ रहे हैं और जब उस लायक बन जाएंगे जमा अल्लाह हमारी जो जमा अल्लाह अब गिरोह है जिसको रफाई जलाली बानवा मदार ये चार गिरोह हैं, सैयद अहमद कबीर रहमतुल्लाह अलैह और सरकार सैयद अब्दुल रज़ाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से जो एक गिरोह निकला है जिसको बेनवा कहते हैं, बानवा कहते हैं और जलालुल्लाह जो गिरोह मदारिया, तो चार गिरोह हाजिर होते हैं, उनके बीच बच्चे बुलाया जाता है जब उसका तारीख होता है, उसके बाद में उस दिन मुर्शिद कामिल उसके सर पे फुट रखते हैं तो पढ़ते हैं कि अव्वल खाक इश्क, दुवम खाक दस्तक, सुवम खाक मस्तक, चारम खाक तालुक, पंजम खाक पैमा पीरी, खाक हमें शरफ शीरी, खाक से पुतले आदम को पैदा किया, कुल मलाक ने सजदा किया, अजाजिल ने गुमान किया, खाक बाबा आदम लाए, बीवी हवा ने छानी, छान छून मस्तक चढ़ानी, चढ़ंत खाक बरसंत नूर, रक्षा करे दादा आदम नबी रसूल, जिसने की खाक पर आन उस पे गिरे अजगे बान, खाक माई जहाँ पाई वही खाई वही रमाई, पीर फकीर महबूब शाहजी अकल्ला मोहम्मद मदार के गेत। जब मुर्शिद कामिल उस बच्चे के सर पे मुंडन करके राख लगा देते हैं तो फिर वो बाल बढ़ने लगता है, तो इस तरह से जो भेग हो जाता है लम्बे जुल्फे कहलाती हैं, तो उनको जिसे सिलसिले चिश्तिया में बंदा नवाज गेसु दराज रहमतुल्लाह अलैह गुलबरा शरीफ में है, उनके नाम के साथ में है कि बंदा नवाज गेसु दराज, ये सिलसिले चिश्तिया में, सिलसिले मदारिया में मलंगान है। तो हमारे पहले बच्चों को लिया जाता है, पढ़ाते हैं और लोगों की मन्नत भी होती है और खुशी से भी सरकारी बारगाह में लोग बच्चे पेश करते हैं, जिस तरह से नजराना पेश करते हैं, एक कुर्बानी है ये माँ बाप की, एक माँ एक बाप अपने एक लाल को नूर नज़र को सरकार के नाम पे पेश करते हैं और दुआ भी होती है कि मौला ताला जिस मकसद के लिए हमने बच्चे को छोड़ा है बस अल्लाह उस मकसद में उनको कामयाब अता फरमाए। और यह है कि माँ की दुआ होती है, अल्लाह का हबीब फरमाते हैं कि माँ की दुआ को अल्लाह टालता नहीं है, तो माँ बाप की दुआ हो तो शायर कहता है बाप से बढ़कर माँ का रुतबा, माँ से बढ़कर पीर, और जिसका नाम है पीर उसको मारे कब्र में मुनकर नकीर। तो माँ की दुआ, पीर का करम, बुजुर्ग का शाह साया और अल्लाह अपने हबीब सदके में, बस दुआ कीजिए कि बच्चा जिस तरह यमन बाबा हैं और भी बच्चे हैं जो पढ़ रहे हैं उसके बाद में उनको मलंग बनाया जाएगा, ये दुआ की अल्लाह ताला उनको सलात रूप से काम रखे और ईमान सालिम रहे, तंदुरुस्ती बरकरार रहे, आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपकी उम्र कितनी है?
10 साल की। आप मलंग कब बने थे? 8 साल। और आपके आपके माने आप किससे बैत ली थी? सैयद मासूम अली बाबा। और कैसा लग रहा है आपको? अरे वाह, आपकी मुस्कुराहट बता रही है कि बड़े खुश हो। और मुझे मुझे लग रहा है कि आपकी खुशियाँ ना, जब जब आप मुस्कुराओगे ना सबको बांटते जाओगे। नहीं, सो दिस इज द यंग मलंग बाबा यमन, द प्राइड ऑफ मलंग मदरिया सिलसिला, अमेजिंग चाइल्ड। आई हैव बीन नोइंग हिम फॉर लास्ट 2 years, एंड ही इज वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, वेल कल्चर्ड, एंड दिस इज थैंक्स टू टीचर लाइक रफीक बाबा। ही इज अमेजिंग स्कॉलर, ही लव्स द कंट्री, एंड देर इज नो फ्रिक्शन एज सच। ही लव्स द कंट्री, ही लव्स द पीपल, एंड ही टचेज एवरी वन। ही हैज गॉट मुरीद्स हू आर हिंदूज एंड वॉट एवर, बट दिस इज द पैगाम ऑफ पीस थ्रू जिंदा शाह मदार ऑफ रफीक बाबा, दम मदार बेड़ा पार।